भरतपुर के डॉक्टर दंपति हत्याकांड का मुख्य आरोपी अनुज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अनुज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था। दरअसल राजस्थान के भरतपुर में 28 मई की शाम को नीम दागेट इलाके में दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति की हत्या कर दी गई थी। डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता कार से कहीं जा रहे थे। इस दौरान बाइक से आए दो युवकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर सीमा गुप्ता पर आरोप था कि उन्होंने 2 साल पहले पति सुदीप गुप्ता की प्रेमिका दीपा और उसके बेटे की जलाकर हत्या कर दी थी। दीपा गुर्जर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी अनुज की बहन थी। आपको बता दें, इस हत्याकांड में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अनुज को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस को किसी ने सूचना दी कि अनुज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है। आरोपी से हत्याकांड का पूरा सीन दोबारा रिक्रिएट कराया जाएगा। जैसा आपको विदित है कि 28/5 को एक डॉक्टर दंपति की दो जनों ने मोटरसाइकिल पर आकर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस की टीम जो है गठित हुई। आईजी साहब के निर्देशन में 3 जिलों की पुलिस, भरतपुर, धौलपुर और करौली के एसपी के निर्देशन में इन दोनों को आइडेंटिफाई भी किया गया। इनकी तलाश भी जारी रही और क्या इस मामले में कहानी रही उसको भी कुछ कुछ साथ साथ वर्कआउट करते गए, जिस पर उनके 2 सहयोगियों को भी पूर्व में गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ जो उसका मामा का लड़का था महेश, उसको पहले गिरफ्तार किया गया। और चूँकि मुख्य आरोपी जिसने गोली मारी थी वो अनुज था और काफ़ी समय से वो जो है चकमा दे रहा था, तो टीम गठित करके हमने डांग एरिया में, धौलपुर में, मुरैना में यहाँ स्पेशल टीम भेजी हुई थी। और उस पर हमें जब सूचना मिली, खासतौर से सी ओ सिटी साहब को, इन्होंने मेरे को रात को बता दिया था कि साहब सूचना आ रही है हमारे पास और अपने कहीं ना कहीं नाकाबंदी करनी पड़ेगी। उनका बढ़िया है, आप करो। और उस सूचना के आधार पर ये था कि भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ सकता है, कहीं ना कहीं आदमी की कमजोरी होती है। उसके आधार पर इनको दिशा निर्देश और कार्रवाई के आधार पर इन्होंने जो है उज्जैन के आसपास 20 मोहरा कोई जगह है वहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। गाड़ियों में जो है एक व्हीकल में उसकी खुलिए वाला आदमी, इसको जब पूछा गया नाम पता तो उसने सब बताया और अपना नाम अनुज बताया। तो इस आदमी की जो है अब अनुज गिरफ्तार हो चुका है, जिस पे 5,000 का इनाम भी जिला पुलिस ने घोषित किया हुआ था। और हमारे एडिशनल एसपी मंजिता जी, आईपीएस, शहर के दोनों सीओस, सीओ सिटी। कुछ दिन पहले डॉक्टर दंपति ने भरतपुर की सूर्या सिटी जैसी पॉश कॉलोनी में एक विला खरीदा था। इस विला में डॉक्टर सुदीप अपनी कथित प्रेमिका दीपा गुर्जर को रखने लगा। दीपा गुर्जर आरोपी अनुज की बहन थी। बताया जा रहा है कि दीपा डॉक्टर सुदीप की क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट थी। दीपा इस विला में पार्लर खोलने वाली थी। निमंत्रण कार्ड में डॉक्टर सुदीप का नाम छपा देखकर उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा को अवैध संबंधों का पता चल गया। सीमा अपनी सास के साथ विला पहुंची। वहां डॉक्टर सीमा और दीपा के बीच हाथापाई हुई। सीमा ने दीपा और उसके बेटे शौर को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद स्प्रिट छिड़क कर आग लगा दी। इससे दीपा और उसके बेटे की जिंदा जलकर मौत हो गई। तब पुलिस ने दोनों डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार भी किया था। अनुज तभी से बदला लेने की फिराक में था। अनुज ने अपने मामा के लड़के महेश के साथ मिलकर डॉक्टर दंपति की हत्या की योजना बनाई, उनकी रेखी करनी शुरू की। 28 मई की शाम को दो बदमाशों ने उनकी गाड़ी को बाइक आगे लगाकर रुकवाया। कार में मौजूद डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी सीमा को ताबड़तोड़ गोलियां मारने के बाद दोनों ही आरोपी फरार हो गए थे।